फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी पीजीटी कला 2021 का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, इसमें 125 क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने 2021 पीजीटी का ही क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो फ्रेंड्स, उसको अगर आपने देखा है तो साथ ही साथ आप फाइनल आंसर की आने के बाद जितने भी क्वेश्चंस के राइट आंसर हैं आप उसको देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा है। फाइनल आंसर की के साथ इस आंसर को आप सारे मैच करा के देख लीजिए, और इसमें मैंने सारे आंसर फाइनल आंसर की के बाद ही बताया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो रिपीट भी होंगे। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो मेरे वीडियो में पहली बार हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगी उसके नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें मैं केवल आपको राइट आंसर्स ही बताते चलूँगी, इसकी डिटेलिंग और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन कला समीक्षक नहीं है? ऑप्शन है केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी, वीरेश्वर सेन। राइट आंसर है डी, वीरेश्वर सेन। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा कहाँ है? ऑप्शन है पनवेल, थाने, रोहा, रायगढ़। राइट आंसर हो जाएगा डी, रायगढ़ में स्थित है एलिफेंटा। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है महाकवि भास, आनंद कुमार स्वामी, कालिदास, आचार्य मम्मट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आचार्य मम्मट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना डैस ने की? ऑप्शन है बर्निनी, रैफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। राइट आंसर है डी, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनाए गए? ऑप्शन है चंदेल राजवंश, नरसिम्हा देव राजवंश, कलचुरी राजवंश, शुंग राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंदेल राजवंश के ही शासनकाल में खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि खजुराहो की मंदिर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वॉश चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य, नलनी कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगताई, दिलीप दास गुप्ता। राइट आंसर है इसका डी, दिलीप दास गुप्ता। दिलीप दास गुप्ता जो हैं ये वॉश आर्टिस्ट नहीं माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सेवन क्वेश्चन, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नामक से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निकोलस रोरिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे? ऑप्शन है बसावन, ख्वाजा अब्दुस्मद, बिहजाद, मंसूर। राइट आंसर है सी, बिहजाद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी है? ऑप्शन है कैनवास, भित्ति, छत, पत्थर। यानी ये कैनवास पे बनी है कि वॉल पे है कि सीलिंग पे है या फिर स्टोन पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छत पे। नेक्स्ट है टेन, एक अकादमिक शैली के कलाकार थे? ऑप्शन है शैलेंद्र नाथ डे, ललित मोहन सेन, छितेंद्र नाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर। तो राइट आंसर है बी, ललित मोहन सेन। इनका शॉर्टकट में भी कभी कभी दे देता है, शॉर्टकट में है इनका एल एम सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया?
ऑप्शन है सल्वाडोर डॉली, आंद्रे ब्रेंतो, मैक्स एर्नेस्ट, हॉन मीरो। राइट आंसर है बी आंद्रे ब्रेंतो, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, शांति निकेतन, बरोड़ा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी बरोड़ा। इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, इसमें बरोड़ा लिखा हुआ है। जयपुर, दिल्ली, शांति निकेतन, बरोड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है रूपायन, विरूप, कलायन, सांभव। राइट आंसर है सी कलायन। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है। ऑप्शन है डायना, मर्क्यूरी, हेरा, एफ्रोडाइटी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी एफ्रोडाइटी, जिसे एफ्रोडिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे? बंगाल शैली, कांगड़ा शैली, कंपनी शैली, पटना शैली। राइट आंसर है बी कांगड़ा शैली। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दमे स्थित है? एम्स्टर्डम, वारसा, पेरिस, बर्लिन। राइट आंसर है सी पेरिस। नेक्स्ट है 17, महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बना मंदिर शोर टेंपल राजवंश के काल में बना। ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, पुलकेसिन, शुंग। राइट आंसर है बी पल्लव। पल्लव के ही शासनकाल में महाबलीपुरम का जो समुद्री किनारा है वहाँ पे बना हुआ है शोर मंदिर। नेक्स्ट है, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जी संतायना, क्रोसे, हर्बर्ट रीड, आरस्तु। राइट आंसर है ए जी संतायना, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? ऑप्शन है शासकों के, धार्मिक स्थलों के, पूंजीपतियों के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका बी धार्मिक स्थलों के, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मिर्जापुर, भोपाल, मानिकपुर, होशंगाबाद। राइट आंसर है ए मिर्जापुर। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, देवराय द्वितीय, चंदेल, नरसिम्हा देव प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नरसिम्हा देव प्रथम ने ही कोणार्क सूर्य मंदिर को बनवाया था। और फ्रेंड्स, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। और कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है? ऑप्शन है रैफेल, डूनसा, जिसे ड्यूचैम भी कहते हैं, डॉली, गोया। राइट आंसर है ए रैफेल। रैफेल ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23, केसियस पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तंत्र कला, तंत्र आर्ट से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, सांद्रो बोत्तिचेल्ली किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है यूक्रेन, इटली, नीदरलैंड, स्पेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इटली।
और फ्रेंड्स सांद्रो बोत्तिचेली हैं, इनका जन्म हुआ है 1445 ईस्वी में। और इनका वीनस का जन्म, बर्थ ऑफ वीनस सबसे प्रसिद्ध इनकी कृति मानी जाती है, बर्थ ऑफ वीनस, और इनका जन्म हुआ है 1445 ईस्वी में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र सूत्र के किस अध्याय में छह वृद्धि का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 4वां, 8वां। राइट आंसर है ए 5वां। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की पत्रिका है। कला प्रयोजन, कला वार्ता, समकालीन कला, कला दीर्घा। राइट आंसर है सी समकालीन कला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? नेत्रीय, इंद्रिय संवेदना, रस, भाव। राइट आंसर है बी इंद्रिय संवेदना। क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए हमें इंद्रिय संवेदना की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंद्रिय संवेदना के ही अनुसार हम किसी भी वस्तु के सौंदर्य को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंची क्या थे? व्हाट वाज लियोनार्डो दा विंची? ये पेंटर, आर्किटेक्ट, प्रिंट मेकर, या फिर ये पेंटर हैं, स्कल्पचर हैं, डॉक्टर हैं? सी ऑप्शन है इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर, पेंटर एंड ड्राफ्ट मैन। तो इसका राइट आंसर है सी, ये इंजीनियर यानी कि अभियंता, आर्किटेक्ट वास्तुकार, स्कल्पचर मूर्तिकार, पेंटर चित्रकार एंड ड्राफ्ट मैन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भीम बैठका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्तिशिल्प, सभी तीन प्रकार के। राइट आंसर हो जाएगा ए शैल चित्र, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कक्षा यानी क्लासरूम, रंग महल, कुतुब खाना, अभ्यास कक्ष। राइट आंसर है सी कुतुब खाना। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? ऑप्शन है सीता देवी, गंगा देवी, जमुना देवी, जगदम्बा देवी। राइट आंसर है डी जगदम्बा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतीना क्या है? ऑप्शन है पेंट की परत, रासायनिक प्रतिक्रिया, सतह का मार्जन, सतह की धुलाई। राइट आंसर है इसका बी रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका राइट आंसर है सी जहांगीर। जहांगीर को ही मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को इसी नाम से ही जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, कुडल नामक फिल्म को किसने बनाया? फ्रेंड्स कभी कभी कुड़ाल भी लिख के आता है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुड़ाल, इस नाम से भी आता है लिख के, लेकिन यहाँ पे हिंदी वर्जन में लिखा है कुडल, और ये यहाँ पे कभी कभी कुड़ाल लिख के भी पूछ लिया जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों देखते चलें। ऑप्शन है विवान सुंदरम, एम एफ हुसैन, अनीस कपूर, तैयब मेहता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी तैयब मेहता इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंपनी शैली के चित्रण की टेक्निक थी टेम्परा, फ्रेस्को, एक्रेलिक रंग, जल। राइट आंसर है डी जल रंग। नेक्स्ट है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? थॉमस लॉरेंस, टेमी हिक्स, थियोडोर लिप्स, ईस्थन लिंकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थियोडोर लिप्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्रण किस विश्वविद्यालय में है? ऑप्शन है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। क्वेश्चन है 38, भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? ऑप्शन है कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसौली शैली, किशनगढ़ शैली। राइट आंसर है सी, बसौली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफ्रन आर्ट कौन संचालित करता है? ऑप्शन है मीनल वजीरानी, सतीश गुजराल, नंदिता दास, सुबोध गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीनल वजीरानी, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 क्वेश्चन, अल्तामीरा की गुफाएं हैं काबुल, स्पेन, कैरो, रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पेन में। फ्रेंड्स, अल्तामीरा की जो गुफा है वो उत्तरी स्पेन में है, और अल्तामीरा के अलावा एक गुफा और है, लास्को की गुफा, वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के दो प्रमुख केंद्र माने जाते हैं अल्तामीरा और लास्को की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित है? पटना शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली। राइट आंसर है ए, पटना शैली। सेवक राम ये पटना शैली के ही कलाकार माने जाते हैं, पटना शैली जिसे कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे? ऑप्शन है कंवल कृष्ण, सतीश गुजराल, राम कुमार, दिव्यानी कृष्ण। राइट आंसर है ए, कंवल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था? ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, लाहौर, कोलकाता। राइट आंसर है ए, लखनऊ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से कलाकार बहुत से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पॉल क्ली। पॉल क्ली जो कलाकार थे ये बहुत आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है कविता, रंगमंच, वॉश चित्रण, मूर्तिकला। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वॉश चित्रण। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है? कभी कभी इंग्लिश वर्जन में भी पूछ लेता है द ओल्ड गिटारिस्ट, ये किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन है रोज पीरियड, ब्लू पीरियड, येलो पीरियड, ग्रीन पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लू पीरियड। क्वेश्चन है 48, इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित की थी? ऑप्शन है फ्रांसिस्को दिगोया, ओजेन दिलाकरा, गुस्ताव कुर्बे, एल ग्रेको। राइट आंसर है ए, फ्रांसिस्को गोया। नेक्स्ट है, बिंदु विषय संबंधित है जहांगीर सबावाला, एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, सैयद हैदर रजा। राइट आंसर है डी, सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयला, इनमें सभी का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा डी, इन सभी का प्रयोग हुआ है। अल्तामीरा में प्राकृतिक रंग भी हैं, जानवरों की चर्बी के मिश्रण भी है, और कोयला भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली। राइट आंसर है ए, स्पेन, ए इज द राइट आंसर। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजवंश के समय की गई थी?
चोल, चंदेल, शुंग, पल्लव। राइट आंसर है बी, चंदेल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभावादी चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है मातिस, सेजान, वॉन गोंग, गोंग। राइट आंसर है ए, मातिस। ये उत्तर प्रभावादी चित्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, मौला राम एक रहे राजपूत शैली के चित्रकार, जैन शैली के चित्रकार, मुगल शैली के चित्रकार, पहाड़ी शैली के चित्रकार। तो मौला राम है, ऑप्शन है डी, पहाड़ी शैली के चित्रकार। नेक्स्ट है, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? बलवीर सिंह कट, लतिका कट, राम किंकर बैज, अवतार सिंह पवार। राइट आंसर है सी, राम किंकर बैज। क्रिस्टी क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलाकृतियों का नीलामी घर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार है? प्राणनाथ मागो, के एस कुलकर्णी, एच ए गाडे, कंवल कृष्ण। राइट आंसर है सी, एच ए गाडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? दांते, प्लेटो, हिगेल, कांट। राइट आंसर हो जाएगा ए, दांते की। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? बिशन दास, सेवक राम, शिवलाल, जयराम दास। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिशन दास। बिशन दास कंपनी शैली के चित्रकार नहीं है। उसके अलावा सेवक राम, शिवलाल, जयराम दास, ये तीनों ही कंपनी शैली के चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है, तूती नामा कब लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1560 से 1568 ईस्वी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है प्रागैतिहासिक, अजंता शैली, अपभ्रंश शैली, बंगाल शैली। राइट आंसर है सी, अपभ्रंश शैली। फ्रेंड्स, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत अपभ्रंश शैली को इसलिए माना गया है क्योंकि अपभ्रंश शैली का ही परिवर्तन रूप राजस्थानी चित्रकला माना जाता है। नेक्स्ट है, गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च ने तैयार किया? असित कुमार हल्दर, ईवी हेवेल, नंदलाल बोस, शारदा उकील। राइट आंसर है सी, नंदलाल बोस ने। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 63। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे सतीश गुजराल, एन एस बेंद्रे, के हब्बर, बी सी सान्याल। राइट आंसर है डी, बी सी सान्याल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनवांटेड। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा है कला एक सहज ज्ञान है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, आदि शंकराचार्य, वेनेडेटो क्रोचे, स्वामी राम तीर्थ। राइट आंसर है सी, वेनेडेटो क्रोचे। क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार कौन थे? राइट आंसर है ए, सेवक राम, शिवलाल, हुसालाल, जयराम दास। नेक्स्ट है, एंडी वरहोल किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन है पॉप कला, अमूर्त कला, नेत्री कला, अमेरिकन लोक कला। राइट आंसर ए, पॉप कला। नेक्स्ट है, भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तकों के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शमशेर बहादुर सिंह। डी इज द राइट आंसर। राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1972, 1965, 1962, 1972। राइट आंसर है सी, 1962 राइट आंसर। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं नागजी पटेल, कन्हई कुन्ही रमन, अर्जुन प्रजापति, अंकित पटेल। राइट आंसर है डी, अंकित पटेल।
भरहुत ग्राम में स्थित है, भोपाल, कुशीनगर, गया, सतना। तो इसका राइट आंसर है डी, सतना। भरहुत ग्राम जो है वो सतना में ही स्थित है। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर है बी, पीयूष पांडे ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1512 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था। ऑप्शन है बिशनदास, भूषणदास, मधुकरदास, कृष्ण गोपाल दास। राइट आंसर है ए, बिशनदास इज द राइट आंसर। चित्रित ग्रंथ तूती नामा का विषय वस्तु है, राइट आंसर हो जाएगा ए, तोते की प्रेम कथा। तूती नामा में तोते की प्रेम कथा का अंकन मिलता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा। राइट आंसर है बी, देगा ने। जैक लुई डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया। प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, नव शास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद। राइट आंसर है सी, नव शास्त्रीयतावाद। नेक्स्ट है, बंगाल लोक कला से प्रेरित जैमिनी रॉय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम में चित्रित है। ऑप्शन है पोस्टर रंग, जल रंग, तैल रंग, टेम्परा रंग। राइट आंसर है डी, टेम्परा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की ये प्रसिद्ध पुस्तक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है, द लुव्र म्यूजियम, वेटिकन म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। राइट आंसर है ए, द लुव्र म्यूजियम। फ्रेंड्स, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स यानी सेलखंडों की कुमारी, ये है लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृति। नेक्स्ट है 81, छदंत जातक कहानी है, मगरमच्छ की, हाथी की, मृग की, खरगोश की। राइट आंसर है बी, हाथी की। नेक्स्ट है, इनमें से पेवड़ी होता है, पीला रंग, नारंगी रंग, खड़िया सफ़ेद रंग, काला रंग। इसका राइट आंसर है ए, पीला रंग। फ्रेंड्स, पेवड़ी जो होता है वो पीली मिट्टी को कहते हैं, जो कौन सा रंग होता है, पीला रंग होता है। तो यानी पेवड़ी पीली मिट्टी और हो जाएगा ये पीला रंग। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई। ऑप्शन है टेम्परा, फ्रेस्को, तैल चित्र, रिलीफ। राइट आंसर है बी, फ्रेस्को। केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली से चित्रित है, किस शैली में चित्रित है। राइट आंसर है डी, कांगड़ा शैली इज द राइट आंसर। सिस्टेन चैपल गिरजाघर की छत का निर्माण डैस ने किया। इसका राइट आंसर है डी, माइकल एंजिलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोनिया के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था। राइट आंसर है डी, नेबूखदनेज़र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। इसका राइट आंसर है ए, सल्वाडोर डॉली। चौक का महत्वपूर्ण आविष्कार में हुआ। राइट आंसर है बी, नवपाषाण युग। क्वेश्चन है, इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्र चित्रित की थी। ए पी गज्जर, ए रामचंद्रन, एम एफ हुसैन, एस एच रजा। राइट आंसर है सी, एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलू पोचखान वाला किस माध्यम में कार्य करते थे। कास्ट, पत्थर, कागज लुगदी, एल्यूमिनियम एवं पत्थर। राइट आंसर है डी, एल्यूमिनियम एवं पत्थर।
और फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो कागज की लुगदी है ये माध्यम है सोमनाथ होर की। नेक्स्ट है ब्लू राइडर मंडल किस वाद से संबंधित है? घनवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद। राइट आंसर है बी अभिव्यंजनावाद। तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? माने, मोने, देगा, रेम्ब्रा। राइट आंसर है ए माने। इनका पूरा नाम है एडवर्ड माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है डी रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? नागजी पटेल, जयकृष्ण अग्रवाल, ए पी गज्जर, जे एम अहिवासी। राइट आंसर हो जाएगा बी जयकृष्ण अग्रवाल। नेक्स्ट है इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड लुटेंस ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर है बी तैयब मेहता। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीले। फ्रेंड जो ये मीले हैं ये यथार्थवादी से ही संबंधित बरबिजा स्कूल के कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है राणा कुंभा संबंधित थे? ऑप्शन है मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, बीकानेर। राइट आंसर है ए मेवाड़ शैली। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 विंसेंट वॉन गॉग के चित्र से प्रभावित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रभाववाद। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है? विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल, जेरिको दिलाकरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विलियम ब्लैक। नेक्स्ट है नौ प्रभाववाद शैली के जनक थे? राइट आंसर है सी जॉर्ज सोरा। ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया? इसका राइट आंसर है बी जे स्वामी नाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 104 क्वेश्चन द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? रोसो, देगास, डेविड स्मिथ, अगस्त रोंदा। राइट आंसर है डी अगस्त रोंदा। विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? ऑप्शन है सुकरात, बेनेडेटो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, अरस्तु। राइट आंसर है डी अरस्तु। इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के आमिश्रित छोटे धब्बों से रेखांकन कार्य करते थे? राइट आंसर है सी नौ प्रभाववाद। सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टाइगर इन मूनलाइट नाइट नामक चित्र किसने बनाई? राइट आंसर है बी जोगेन चौधरी ने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइनर कौन था? राइट आंसर है बी फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी। किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया? अकबर पद्मश्री, रामेश्वर ब्रूटा, मंजीत बावा, सतीश गुजराल। राइट आंसर है सी मंजीत बावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है? रामकुमार, एम एफ हुसैन, कृष्णा रेड्डी, रामचंद्र शुक्ल। तो समीक्षावाद के कलाकार माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंख द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन है 3 मई, मृत्युशैया, मृत्यु, द किस। राइट आंसर है ए 3 मई।
रेम्ब्रांड किस लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर है डी, प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मथुरा, वाराणसी और पटना काल के महान केंद्रों में से रहे हैं। राष्ट्रकूट, वाकाटक, पल्लव, गुप्त। इसका राइट आंसर है डी, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। सतीश चंद्र एक थे छापाकार, रेखांकनकार, दृश्य चित्रकार, वॉश चित्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दृश्य चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम। सतीश गुजराल, अंजलि इलामेनन, ए रामचंद्रन, के हैब्बर। राइट आंसर है ए, सतीश गुजराल इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आचार्य वामन ने। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवा रस कौन सा है? राइट आंसर है डी, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो का कालखंड कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर है ए, 1881 से 1973। विनोद भरद्वाज की पुस्तक है, राइट आंसर है बृहत आधुनिक कला कोश इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 121। पहाड़ी चित्रकला संबंध है मुगल चित्र शैली, कांगड़ा, कंथा, राजपूत। राइट आंसर है बी, कांगड़ा। वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, कुर्बे, बुत्तिचेल्ली, एल ग्रेको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुत्तिचेल्ली। इनका ही सबसे प्रसिद्ध कृति है वीनस का जन्म, जिसे कहते हैं बर्थ ऑफ वीनस। नेक्स्ट है, किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं? राइट आंसर है ए, आकार। एक अच्छे वॉश चित्रकार थे सुखवीर सिंह सिंघल, मोहम्मद हनीफ, एस सी श्रीखंडे, मदन लाल गुप्ता। राइट आंसर है ए, सुखवीर सिंह सिंघल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 125। पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेस डेमोसेस डी अविग्नन। फ्रेंड्स, ये रहे 125 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसमें जो 125 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब होने ही वाला है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, और इनके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने अपनी चैनल में काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं UGC नेट, JRF, TGT, PGT, फाइन आर्ट से जितने भी संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर भी मैंने YouTube में डाल रखा है। तो आप वहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।